वीडियो वी आर डूइंग द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ़ द इजी क्वेश्चन प्रोपोर्शंस ठीक है एक्सप्लेनेशन वीडियो इससे पिछली थी इन वर्स प्रपोर्शन सीखनी है क्या होती हैं तो आप एक्सप्लेनेशन uh, वीडियो से uh, सीख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले वो कहते जी कि uh, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है ठीक है उसमें कहते हैं कि जी एट मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन ट्वेल्व डेज ठीक है फाइंड द टाइम टेकन फॉर सिक्स मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज स्टेट द दम्शन अब यार देखो सबसे पहले तो एक बंदे का निकाल लो एक बंदा अगर ब्रिज बनाए तो कितने दिन लगेंगे देखो अगर आठ बंदे बना रहे हैं तो ट्वेल्व डेज लग रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बंदा बनाएगा तो एक बंदे का निकालने के लिए एट को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है अगर डायरेक्ट होता तो फिर हम डिवाइड करते अब इनका इनवर्स है आठ लगे हुए हैं तो काम जल्दी होगा अब एक लगा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर काम बहुत लेट होगा एट को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक बंदे के दिन आ जाएंगे उसको आप जो एक बंदे के दिन है उसको आप सिक्स से डिवाइड कर दो तो मैंने इधर डायरेक्ट ही सिक्स से डिवाइड कर दिया कि सिक्स मैन को बनाने में कितनी देर लगेगी ठीक है तो ये इज इक्वल्स टू तो सिक्सटीन डेज आ जाएगा और ये आपके जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है एक क्वेश्चन तो ये था इजी सा ना ठीक है सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने जो कि अब वो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला शुरू हो गया ठीक है क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे अच्छा सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो कहता कि इफ़ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई ठीक है एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके वाई के जिसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर वाई ठीक है ये बात याद रखना इसमें कंफ्यूज़ मत होना क्योंकि ये अब ओवर वाई चल रहा है ठीक है तो के ओवर वाई ये हो गया ये हमने फार्मूला बना लिया ये मैं हमेशा पहले ही बना लेता हूँ वो सवाल में कहे ना कहे क्योंकि हमने इससे जो है ना के फ़ाइंड करना होता है ठीक है वो कहे ना कहे आप बना लिया करें ठीक है दूसरा वो कह रहे जी उसने एक्स की वैल्यू अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर फोर्टी दी है और वाई की वैल्यू दी है फाइव तो इससे पहले तो के फ़ाइंड कर लें एक्स की जगह हम फोर्टी लगा देंगे इज़ इक्वल्स टू के की जगह के ही आएगा और वाई की जगह फाइव आ जाएगा ठीक है तो y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके फोर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास इधर के आ जाएगा ठीक है तो ये जो है ना फाइव फोर ट्वेंटी आई थिंक से टू हंड्रेड आ जाएगा ठीक है के इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड ठीक हो गया ये हमारे पास आ गया के पहले तो ये पार्ट सॉल्व हो गया अच्छा जी उसके बाद पार फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कहता है क्वेश्चन थ्री के द वैल्यू ऑफ एक्स वैन वाई इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव ठीक है वो कह रहा है कि अगर वाई हमने आपको ट्वेंटी फाइव दिया है ठीक है वाई इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव है तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी सबसे पहले तो नीचे फार्मूला लगा लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू के हमारे पास टू हंड्रेड था डिवाइडेड बाय वाई था वाई हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक है तो टू हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कर दें ठीक है तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी आई थिंक सो फोर एंड फोर एट एट आ जाएगी ठीक है तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है हमने एक्स फाइंड कर लिया मतलब चल बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह रहे उसका और इसका इतना फ़र्क नहीं है सिर्फ जहाँ पे वहाँ पे हम डिवाइड करते थे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना और जहाँ वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ हमने उस जगह पे डिवाइड करना ठीक है पार्ट टू के अंदर उसने हमसे इक्वेजन पूछी है जो कनेक्ट करती है वो इक्वेजन मैं ऑलरेडी आपको ये बना के दे चुका हूँ एक दफ़ा फिर हाईलाइट कर रहा हूँ ठीक है तो पार्ट थ्री के अंदर उसने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ वाई वैन एक्स इज़ इक्वल्स टू फोर हंड्रेड ठीक है अब x उन्होंने 400 दिया है तो x की जगह 400 लगा देते हैं k की जगह 200 और y ये आ गया ठीक है अब y को उधर भेज दें और 400 को इधर ले लें ठीक है y इज़ इक्वल्स टू टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड ठीक है ज़ीरो जीरो 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 कट गया टू वन जो टू 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 जो फोर वाई इज इक्वल्स टू वन बाई टू ये आपका जो है वो आंसर आ गया इसको वन बाई टू भी लिख सकते हैं या फिर वो करके ज़ीरो पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन ठीक है अब हम आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जो कि इजी क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है ठीक है अच्छा जी उसमें वो कहते हैं कि Q इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ठीक है Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के ठीक है क्या इसका फार्मूला क्या बनेगा क्यू इज़ इक्वल्स टू के ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू के ओवर पी आपने इसका फार्मूला क्रिएट कर देना उसके बाद उन्होंने वैल्यू उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं क्यू उसने दिया हुआ हमें टू पॉइंट फाइव ठीक है और पी इसने दिया हुआ हमें टू ठीक है इससे हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो क्यू की जगह हम क्या करेंगे टू पॉइंट फाइव लगा देंगे ठीक है इज ईक्स टू के एज इट इज़ आ जाएगा और पी की जगह टू लग जाएगा टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा ठीक है और इधर हमारे पास के आ जाएगा ठीक है तो हम इस तरह जो है वो के की वैल्यू निकाल लेंगे सॉरी ये टू पॉइंट फाइव नहीं था ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव था इसका जो है हम इरेज कर लेते हैं अर्ली मिस्टेक से बच गए हम ठीक है ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है अच्छा इस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव को हमने टू से मल्टीप्लाई करना है ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव है अगर मुझे पता है वो कभी कभी होता है स्टूडेंट्स सवाल करते करते कहते हैं वो गलत लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं इसलिए मैंने ना बीच में ही अपनी मिस्टेक पकड़ ली है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव है ठीक है जीरो पॉइंट टू फाइव को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक सो टू पॉइंट टू फाइव है मैं फिर भी एक दफ़ा कैलकुलेटर में देख लूँ जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू यस ये पॉइंट फाइव आ गया ओके के इज इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट फाइव ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई ठीक है ये हमने के निकाल लिया अब वो पार्ट टू के अंदर क्या है जी के एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी वो हम पहले ही कर चुके हैं ये ठीक है क्यू इन टर्म्स ऑफ पी हम पहले ही कर चुके हैं ठीक है फार्मूला बनाना था वो हम बना चुके हैं बट क्यू इन टर्म्स ऑफ पी हमने किस तरह करना है कि इसमें जो है ना सबसे पहले अच्छा ठीक है वो हम कर चुके हैं हमने बस यही लिखना है आ, Q इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव ओवर पी ठीक है यही आंसर हाँ ठीक है ये हो गया हमारा ये डन हो गया ठीक है अच्छा उसके बाद जो है ना पार्ट टू के अंदर वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ़ क्यू व्हेन पी इज़ इक्वल्स टू फाइव ठीक है अब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जब पी इज़ इक्वल्स टू फाइव है ठीक है अच्छा इधर एक छोटा सा ना फार्मूला जो है वो जनरेट होगा ठीक है करने को आप बिल्कुल डायरेक्टली भी कर सकते हैं ठीक है आ, ये हमारे पास आ जाएगा आ, Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है पी उसने हमें फ़ाइव दिया हुआ uh, है क्यू इज़ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव दिया हुआ है फ़ाइव ठीक है क्यू इज़ इक्वल्स टू फिर कैलकुलेटर खोलना पड़े ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फाइव पॉइंट वन ज़ीरो पॉइंट वन ये आपका क्यों आ गया ये आपका यहाँ से ये सेकंड पार्ट था ठीक है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था ठीक है ये अब थर्ड पार्ट कराने लगाऊँगा मैं ठीक है ये सॉरी ये ये भी ये भी ये भी फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो भी फर्स्ट पार्ट का ये भी फर्स्ट पार्ट का ठीक है अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं जिसके अंदर कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी वैन क्यू इज़ इक्वल्स टू जीरो टू ठीक है अब पी की है जबकि क्यू उसने हमें दिया तो जीरो पॉइंट टू उसने क्यू दिया जीरो पॉइंट टू क्यू की जगह लिख देंगे के ज़ीरो पॉइंट फाइव है पी हमने फाइंड करना है इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले आएंगे पी इधर आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू पी इज़ इक्वल्स टू हम इधर कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर लेते हैं जी ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ज़ीरो पॉइंट टू ओ, 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 ओ ओके। और ये हमारे पास आ गया जी टू पॉइंट फाइव ठीक है ये पी इज इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव और ये जो है ना ये हमारी इजी क्वेश्चंस की वीडियो होगी ख़त्म ठीक है इसके बाद मैं आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा ठीक है और उसके बाद हार्ड करके तो इनवर्स पोर्शन फिनिश हो जाएंगे इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल